हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री में डाइसेक्राइड्स के विषय में पुनः अध्ययन करेंगे। डाइसेक्राइड्स में आप भलीभांति जानते हैं कि हम लोगों ने कल डाइसेक्राइड्स में सुक्रोज के विषय में पढ़ा था। सुक्रोज को किन किन मोनोसैक्राइडों के साथ निर्माण किया जाता है, वो बनते हैं और उनमें किस प्रकार से जुड़ाव होता है उनके कार्बनों पर, इसके विषय में हम लोगों ने कल देखा और पढ़ा। आज डाइसेक्राइड्स में हम लोग माल्टोज के विषय में पढ़ेंगे। माल्टोज के विषय में पढ़ते हैं। माल्टोज क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि ये माल्टोज जो आपका यह प्रकृति में अनेक पौधों में पाया जाता है। व्यापारिक स्तर पर अगर इसका निर्माण देखा जाए तो हम स्टार्च से करते हैं। किससे करते हैं? व्यापारिक रूप से देखा जाए तो इसको हम जो है स्टार्च से लेते हैं। स्टार्च के माध्यम से इसको हम निकालते हैं और यूज करते हैं। और उस स्टार्च के रूप में जैसे आप जो ले रहे हैं या स्टार्च से ले रहे हैं, वो कैसे आप बनाते हैं, किस प्रकार से उसको निकालते हैं, इस चीज़ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसा कि जानते हैं कि जौ के माध्यम से जौ में उपस्थित डाइस्टेज एंजाइम, यानी कि अगर देखी जाए तो बार्ली में जो है, बार्ली में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं बार्ली में, तो वो एंजाइम्स डाइस्टेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइस्टेज कहा जाता है। डाइस्टेज, इस डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में स्टार्च से जो है वो क्या निकालते हैं, हम माल्टोज को लेते हैं। किसको लेते हैं? माल्टोज को। कैसे? एक रिएक्शन के माध्यम से इसको हम देखते हैं। और ये डाइस्टेज कैसे बनता है या डाइस्टेज कैसे प्राप्त होता है, इसके विषय में हम थोड़ा देख लेते हैं। डाइस्टेज हम करते क्या हैं कि डाइस्टेज को लेने के लिए या डाइस्टेज को प्राप्त करने के लिए एक आसान तरीका ये होता है कि हम जौ को क्या करते हैं, यानी कि बार्ले को हम क्या करते हैं, देखा जाए तो बार्ले को हम पहले कुछ समय के लिए रख देते हैं जिससे कि उसके अंदर अंकुरण शुरू हो जाए। और जैसे ही अंकुरण प्रारंभ होता है, जैसे ही अंकुरण आना प्रारंभ हो जाए, उसी समय हम क्या करते हैं कि इसे अंकुरण के लिए क्या करेंगे, अंकुरण के लिए हम 2 से 3 दिन अंधेरे में रखते हैं जिससे कि उसके अंदर धीरे धीरे उनके बीजों में अंकुरण प्रारंभ हो जाए। इसके बाद पूर्णतः अंकुरण नहीं आने पाए तभी हम उसे क्या करते हैं कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उसे हम क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं, तापमान में गर्म करते हैं, जिसके कारण आप देखेंगे कि जब वो इस पे 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उसे गर्म कर देंगे तो वो सूख जाता है। सूखने के दरमियान उसमें हमें जो प्राप्त होता है तो उस अंकुरण को क्या करेंगे, उस अंकुरण को हम पीस देते हैं या ग्राइंड कर लेते हैं। क्या करते हैं? ग्राइंड कर लेते हैं या पीस करके उसे हम क्या निकाल लेते हैं, माल्ट का निर्माण कर लेते हैं। जब माल्ट का निर्माण हो जाता है तो उसी माल्ट को हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, स्टार्च के साथ रिएक्ट कराते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टार्च क्या होते हैं, स्टार्च का जो सामान्य सूत्र लिखा जाता है वो लिखा जाता है आपका C6H10O5N प्लस N H2O, ये मिलता है। अब इसके साथ साथ जैसे मैंने कल आपसे बताया था कि डाइसेक्राइड्स का अगर निर्माण होता है, एक छोटी सी एग्जांपल और दे दें हम आपको, C6H12O6 प्लस C6H12O6 है, तो यहाँ पे जब निर्माण होता है तो डाइसेक्राइड्स का, तो आप देखते हैं C12H22O11 प्लस H2O बाहर निकल आता है। यही होता है डाइसेक्राइड्स के निर्माण में। डाइसेक्राइड्स में 2 हो जाएंगे, इसकी संख्या 18 हो जाएगी, ये बढ़ती हुई चली जाएगी।
तो इस प्रकार से यहाँ पे यह स्टार्च होता है, और ये जो नंबर हैं ये नंबर ऑफ आपके कहे जा सकते हैं कि बहु मात्रा में यानी अधिक मात्रा में जो नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स कह सकते हैं, नंबर ऑफ डाइसेक्राइड्स कह सकते हैं, नंबर ऑफ आपके पॉलीसेक्राइड्स कह सकते हैं, यानी कि स्टार्च के लिए भी यही नंबर होता है। आप जितने भी स्टार्च के साथ, जितने भी स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स इनके साथ जुड़ रहे हैं मोनोसेक्राइड्स के रूप में चाहे वो डाइसेक्राइड्स के रूप में, उनको हम इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और यानी H2O की मतलब है कि आप जितनी भी संख्या देनी चाहिए, जैसे एक H2O दे रहे हैं, दो दे रहे हैं, तीन दे रहे हैं, दस दे रहे हैं, 20 दे रहे हैं, कितने जो है H2O की आवश्यकता इसके लिए पड़ेगी। जैसे मैं आपसे बता दूं कि किसी डाइसेक्राइड्स को यदि हम तोड़ते हैं, खत्म करते हैं, अगर हम इसी रिएक्शन के आधार पर देख लें कि किस प्रकार से फिर मोनोसेक्राइड्स का निर्माण होगा, तो इसमें जब तक एक H2O प्रवेश नहीं करेगा तब तक फिर से ये अलग टूटेंगे नहीं, ये डाइसेक्राइड्स का निर्माण बनेंगे नहीं। हालांकि इनके निर्माण के लिए किसी न किसी एंजाइम्स की उपस्थिति होना अनिवार्य होता है, नहीं तो ये टूट नहीं सकते हैं। जिसके कारण जैसे माल्टोज है तो माल्टेज एंजाइम, लैक्टोज है तो लैक्टेज एंजाइम, सुक्रोज है तो सुक्रेज एंजाइम, इस प्रकार से तमाम जितने भी आपके कंपाउंड्स डाइसेक्राइड्स के होते हैं वो जब टूटते हैं तो टूटने के समय उन्हीं से रिलेटेड एंजाइम्स सक्रिय होती हैं जो H2O को प्रवेश कराती हैं, अपने अंदर अवशोषित करती हैं और फिर टूट करके वो मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट होती हैं। उसी प्रकार से जब हम स्टार्च की बात करते हैं तो स्टार्च के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कैसे टूटते हैं इस पर हम देखें। मैंने आपसे बताया कि डायस्टेज कहाँ से मिल रहा है, डायस्टेज जो आपका मिल रहा है वो मिल रहा है जौ के माल्ट से मिल रहा है, किससे, जौ के माल्ट से मिल रहा है। और जौ क्या है, जौ के अंकुरित बीज को सुखाने पीसने के दरमियान जब ये माल्ट का निर्माण करते हैं और इसी माल्ट में क्या प्राप्त होता है हमको, डाइस्टेज एंजाइम प्राप्त होता है। और इसी डाइस्टेज एंजाइम का उपयोग हम स्टार्च में करते हैं माल्टोज को लेने के लिए। तो इसमें क्या है कि ये जो है डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ऐसा होता है, डाइस्टेज एंजाइम है। अब ये डाइस्टेज एंजाइम करती क्या है कि यहाँ पे यन मात्रा में C12H22O11 यन की मात्रा को देता है। और ये क्या है कि आपका जो ये भाग है O11, अब इसको हम कहते हैं माल्टोज। क्या कहते हैं, माल्टोज कहते हैं। अब यहाँ पे हमको यन माल्टोज मिला है, यानी कि इन माल्टोज की संख्या 2 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 28 भी हो सकती है, इससे अधिक भी हो सकती है। इसमें इतने माल्टोज जुड़ करके स्टार्च का निर्माण करते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, यदि हमें और भी लेना हो, इसी माल्टोज से लेना हो, तो इसी माल्टोज को अगर हम पुनः तोड़ें तो तोड़ने के दरमियान यहाँ पे पुनः आप देखेंगे क्या होगा, यहाँ पे पुनः H2O फिर पुनः इसके साथ संयोग करते हैं। और लेकिन यहाँ पे डाइस्टेज एंजाइम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहाँ पे सब पड़ेगी माल्टोज की, माल्टेज एंजाइम की पड़ेगी, माल्टेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी। तो माल्टेज एंजाइम की जब आवश्यकता पड़ती है तो माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पे बना क्या लेते हैं, C6H12O6N, और ये बनता क्या है आपका ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और फिर यही यन, अब जैसे अगर इनके संश्लेषण के विषय में हम लोग चर्चा करें तो किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मोनोसेक्राइडों के जुड़ने के दरमियान माल्टोज, और कई माल्टोज जुड़ने के बाद स्टार्च, और स्टार्च के फिर टूटने के दरमियान आप देखेंगे डाइस्टेज एंजाइम से माल्टोज में कन्वर्ट होना, और माल्टोज को माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्लूकोज के बाद जैसा कि आप जानते ही हैं कि मोनोसेक्राइड्स कभी ये टूट करके नए यौगिक का निर्माण नहीं कर सकते हैं, टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जल जाएंगे, परंतु इससे निचले स्तर पे ये नहीं जा पाते हैं। तो हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है,
जो डाइसेक्राइड्स है और ये रिड्यूसिंग होते हैं कि रिड्यूसिंग नहीं होते हैं, इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें दो मोनोसेक्राइड्स हैं और दोनों मोनोसेक्राइड्स क्या आते हैं, जो दोनों मोनोसेक्राइड्स हैं वो ग्लूकोज होते हैं। क्या होते हैं? ग्लूकोज होते हैं। तो इनको हम इस प्रकार से हावर्थ नियम के अनुसार इसको हम बना लें। यहाँ पे इस प्रकार से सब चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। एक यहाँ पर भी हम दूसरा दे देते हैं। इस प्रकार से हम अब यहाँ पे एक दूसरा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। दूसरे ग्लूकोज का निर्माण हो गया। अब इसको हम, चूंकि ये अल्फा है तो ओएच कहाँ होगा? नीचे की तरफ, एच ऊपर की तरफ। यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं ये भी दाहिने तरफ था। तीसरा कार्बन उसका किस तरफ था? बाईं तरफ था। तो यहाँ पे तीसरे कार्बन पे OH बाईं तरफ होता है तो ऊपर लिखते हैं। फिर यहाँ पे क्या है? OH, H और फिर इसके बाद H और यहाँ पे हो जाता है आपका CH2OH। इसी प्रकार से इस पर भी चूँकि अल्फा बना रहे हैं तो हम जब भी अल्फा बनाएंगे तो OH किस तरफ होगा? नीचे की तरफ होगा। और इसके साथ जुड़ने के लिए इस कार्बन, ये भी देखिए अल्फा ग्लूकोज है और ये भी क्या है? अल्फा ग्लूकोज है। ये दोनों ही, ये भी अल्फा ग्लूकोज होता है, ये भी अल्फा ग्लूकोज होता है। अब अल्फा डी ग्लूकोज भी हम कह सकते हैं इनको, अल्फा डी ग्लूकोज। ये जुड़ते कैसे हैं इस चीज़ को हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि माल्टोज बनाने के लिए जो आपके कार्बन हैं वो कार्बन वन से कार्बन फोर, यानी कि आपका जो एक ग्लूकोज है, पहला ग्लूकोज है, ग्लूको अल्फा डी ग्लूकोज है, उसके कार्बन एक से, यानी इसको हम ग्लूकोज कह सकते हैं, ग्लूकोज से दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज के कार्बन नंबर चार के साथ संयुक्त होते हैं। और जो संयुक्त होते हैं तो उसमें क्या बनता है? वो बनता है ग्लाइकोसाइटिक बंध के द्वारा। ग्लाइकोसाइटिक बंध के द्वारा ये आपस में संयोग करते हैं। तो इसको हम हटा दें और यहाँ पे इन चीज़ों का फिर निर्माण हो जाता है। ये ऑक्सीजन ग्लाइकोसाइटिक बंध के लिए यूज हो जाते हैं। जब ये दोनों आपस में निर्माण, आपको विशेष ध्यान यही देना है कि ये पहला कार्बन होता है, ये दूसरा है आपका, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये आपका पांचवा है और ये छठा है। इसी प्रकार से इसमें भी है, आप देखेंगे ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा और ये छठा हो जाएगा। तो हमने क्या बताया आपसे कि कार्बन वन से कार्बन फोर आपस में जुड़ करके इसका निर्माण करते हैं और साथ में क्या होता है? H2O बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि एक हाइड्रोक्सिल समूह यहाँ पे था, एक हाइड्रोक्सिल समूह यहाँ पे था, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिल करके H2O के रूप में बाहर हो जाते हैं और एक ऑक्सीजन इनके साथ संयुक्त तो होता है जो ग्लाइकोसाइटिक बंध बनाता है और दो मोनोसेक्राइडों को जोड़ करके ये क्या बना लेते हैं? माल्टोज का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं? माल्टोज का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से यह माल्टोज का निर्माण हो जाता है और यही माल्टोज जब बृहद रूप में आप देखते हैं तो स्टार्च का रूप ले लेते हैं, स्टार्च के रूप में कन्वर्ट होते हैं हमारे शरीर के अंदर। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि इन सब चीज़ों को हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम इसका स्ट्रक्चर ले रहे हैं। हाँ, मैंने आपसे बताया था कि किस प्रकार से यहाँ पे ये रिड्यूसिंग होगा, इस चीज़ को हम देखते हैं। और
स्टार्च में नहीं हो पाया था, मैंने आपसे बताया था माल्टोज में और लैक्टोज में रिड्यूसिंग शुगर पाया जाता है और ये हो जाते हैं। तो कैसे होते हैं इसके विषय में भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर के लिए ये एक एल्डिहाइडिक ग्रुप का रिएक्शन होता है रिड्यूसिंग शुगर, या कीटोनिक ग्रुप का जो है रिएक्शन होता है, यानी कि इसके अंदर जो भी रिएक्शन होने वाले हैं वो या तो उसके एल्डिहाइडिक ग्रुप पे होंगे या तो उसके कीटोनिक ग्रुप में होंगे। स्टार्च में क्या हुआ था, स्टार्च में दूसरे कार्बन, स्टार्च पे क्या हुआ था, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 1 जुड़ गए थे, जिसकी वजह से एल्डिहाइडिक और कीटोनिक दोनों समूह ही आपस में जुड़ करके ग्लाइकोसाइटिक बंध के द्वारा वो व्यस्त हो चुके थे या अभिक्रिया कर चुके थे, ये खाली नहीं थे, ये कह सकते हैं कि ये जो है खाली नहीं थे, जिसकी वजह से यहाँ पर अवकरण होना इम्पॉसिबल थी। तो हम क्या करते थे कि सुक्रोज को हमने कहा था कि ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे दो मोनोसेक्राइड्स हैं, एक अल्फा ग्लूकोज और दूसरा अल्फा ग्लूकोज। इसमें क्या हो रहा है कि एक कार्बन पे आपके एक आपका जो ग्लूकोज है उस पे पहले कार्बन पे जुड़ा हो रहा है और दूसरे ग्लूकोज पर चौथे कार्बन पे जुड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से आप दूसरे मोनोसेक्राइड्स के पे देखेंगे कि यहाँ का जो पहला कार्बन है वो अभी भी फ्री है और फ्री होने की वजह से यहाँ पर आसानी से जो है ये आपके जो ऑक्सीजन है यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट हैं वो जा करके इनके साथ संयुक्त होकर के अवकृत हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। यही कारण है कि वहाँ पे, चूंकि वहाँ पे भी अगर खाली होता कीटोनिक ग्रुप सुक्रोज में तो वहाँ पे अवकृत हो सकते थे, लेकिन वहाँ पे दोनों एल्डिहाइडिक कीटोनिक दोनों व्यस्त थे इसलिए वहाँ पे नहीं हो सके। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक आपके मोनोसेक्राइड्स की व्यस्तता एक कार्बन पे है लेकिन दूसरे आपके मोनोसेक्राइड्स का पहला कार्बन फ्री है, जिसकी वजह से अवकरण की क्रिया हो सकती है, रिड्यूसिंग हो सकती है। यही एक कारण है कि माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर के अंतर्गत आते हैं। अब इसके साथ साथ हम दूसरा इस्तेमाल करते हैं लैक्टोज का, दूसरे डाइसेक्राइड्स का इस्तेमाल करते हैं लैक्टोज का। लैक्टोज जैसा कि आपने अभी तक जितने भी इस प्रकार के डाइसेक्राइड्स को पढ़ा उसमें आपने देखा कि वो किसी न किसी माध्यम से हमारे शरीर के अंदर या हमें प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन एक चीज़ ये जान लीजिए कि इनको प्राप्त करने के लिए, जैसे अगर हम लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज का साधन मैंने कल ही बताया था मात्र एक है और वो है स्तनधारी पशुओं की दूध। स्तनधारी प्राणियों के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, पशु आएंगे, जितने भी जानवर के अंतर्गत आ रहे, एनिमल के अंतर्गत आ रहे हैं वो सभी जो स्तनधारी हैं उनके अंतर्गत ही आएंगे, मनुष्य उसके अंतर्गत आएगा। इनके द्वारा जो स्रवित होती हैं, मादाओं के द्वारा स्रवित दूध में इन लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि लैक्टोज पशुओं के दूध में 5% तक पाई जाती है और वही 5% से अगर हम इसकी मात्रा को घटावा इसके लैक्टोज की मात्रा के बाद और उसी लैक्टोज की मात्रा को जो कि इसके अंदर जो अगर देखेंगे केमिकल कंपोजिशन के आधार पे तो एक ग्लूकोज और एक ग्लैक्टोज के मोनोसेक्राइड्स पाए जाते हैं। और चूंकि इनके अंदर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज पाए जा रहे हैं, शर्करा समूह पाया जा रहा है, इसीलिए इन्हें दुग्ध, चूंकि ये दूध के थ्रू मिल रहे हैं, मात्र दूध ही एक इसका साधन है, बाकी दुनिया में कोई ऐसे साधन नहीं है जहां से हम लैक्टोज को प्राप्त कर लें, इसलिए इसे हम दुग्ध शर्करा के नाम से जानते हैं। दुग्ध शर्करा को आप और भी रूप से निर्माण कर सकते हैं, जैसे दूध से पनीर का निर्माण कर लेना, और आपके कई ऐसे हैं जो लैक्टोज को आप मार्केट में देखते हैं कि लैक्टोज आपको लैक्टोज के रूप में मिलता है तो उसको मड़भी यानी कि क्रिस्टलाइट्स कर लेना, क्रिस्टल के रूप में कन्वर्ट कर लेना और लेकर के उपयोग करना। इसके साथ साथ अब इनका निर्माण कैसे होता है,
इस चीज़ को हम देखते हैं। और लैक्टोज का उपयोग जो है होम्योपैथिक दवा देने में, जो आप गोलियां खाते हैं देखते होंगे निश्चित रूप से, उसके यूज में जो आती है, जो हम लोग गोलियां चीनी के दाने के बराबर का यूज करते हैं होम्योपैथिक में, वो जो गोलियों का निर्माण होता है वह निर्माण लैक्टोज से ही आसानी से किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ इसका उपयोग हम लोग जो है शराब के उद्योग में करते हैं, जैसे कि गंध के और रंग उत्पन्न कर सके। इसके साथ साथ क्या होता है कि लैक्टोज से जो है शीशे पर जो सिल्वर दर्पण बनाने का कार्य होता है वो भी हम लैक्टोज के माध्यम से आसानी से कर लेते हैं। इसमें भी क्या होता है कि आपका जो ग्लाइकोसाइटिक बंध बनती है लैक्टोज और ग्लूकोज का, वो कार्बन एक और कार्बन चार से बनती है। जब भी रिड्यूसिंग सिस्टम का कोई भी इस प्रकार का निर्माण होगा तो उसमें दोनों ही मोनोसेक्राइड्स में किसी एक मोनोसेक्राइड्स का जो पहला कार्बन होगा वो फ्री होगा, तभी जो है वो उनके अंदर रिड्यूसिंग क्रियाएं हो सकती हैं, नहीं तो नहीं हो सकती हैं। इसके साथ साथ कैसे ये निर्माण होते हैं इस चीज़ को हम देखते हैं। हावर्थ के अनुसार ही इसे भी हम बनाएंगे। यहाँ पे आप बना सकते हैं, यहाँ पे ग्लैक्टोज बनाना है आपको, इस प्रकार से खींच लीजिए। ग्लैक्टोज में क्या था, ग्लैक्टोज में आप देखते थे तीसरे और चौथे कार्बन पे जो ओएस था वो बाई तरफ था, तो यहाँ पे हाइड्रॉक्सिल समूह लिख सकते हैं, अभी नहीं लिखते हैं। आप जानते रहिए कि चूंकि ये हम बीटा बना रहे हैं, बीटा ग्लैक्टोज का निर्माण कर रहे हैं, तो बीटा यहाँ पे ओएच रहेगा, तो दूसरे कार्बन पे ओएच दाहिने तरफ था, शेष तीसरे और चौथे कार्बन पे ओएच बाईं तरफ था, तो इसको हम ऊपर ही लिखते हैं और यहाँ पे सेम वैसे ही आप रख देते हैं। यहाँ पे तो ऑक्सीजन ग्लाइकोसाइटिक बंद हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप इसे भी बना सकते हैं, अगर बीटा बनाना चाहें तो बीटा और अल्फा बनाना चाहें तो अल्फा। यहाँ पर भी वही चीज़ बनती है, जैसा कि इसको तो आप कई बार बना चुके होंगे और संभवतः इसकी एक आदत सी हो गई होगी, तो यहाँ पर भी हम OH को छोड़ देते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से आप लिख लीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये बीटा ग्लैक्टोज है, हम बीटा इसको भी ले सकते हैं, बीटा ग्लूकोज भी ले कर सकते हैं। इनका जो आप आपको बता दें कि इनका जो जुड़ने की प्रवृत्ति है वो इसके पहले कार्बन से ग्लैक्टोज के जो बीटा ग्लैक्टोज है, यानी कि हम कह सकते हैं पहला कार्बन जो होगा वो होगा आपका बीटा ग्लैक्टोज, और जो चौथा कार्बन है वो है बीटा ग्लूकोज। इन दोनों के बीच में क्रियाएं होती हैं ग्लाइकोसाइटिक बंध के द्वारा, ये फिर पुनः जुड़ जाते हैं। अब इस प्रकार से ये क्या करते हैं कि लैक्टोज का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पर भी H2O क्या होगा, वो बाहर निकल आएगा। यहाँ पे इसका अगर पूरा निर्माण देखते हैं तो इसको हम कहते हैं बीटा लैक्टोज। अल्फा बनाना चाहें तो अल्फा के माध्यम से भी इसका निर्माण हम कर सकते हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होनी है। इसमें जैसा कि ये लैक्टोज का निर्माण कर लेते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि देखा जाए तो इसका जो विशिष्ट भ्रामकता है लैक्टोज का, विशिष्ट भ्रामकता इसका होता है, जैसा कि ये शुद्ध जब आप जलीय घोल बनाते हैं तो जलीय घोल बनाने के दरमियान ये 78 डिग्री से लेकर के
प्लस 52.2 डिग्री तक ये जाकर सीमित हो जाती हैं। तो इनका जो भ्रामकता है वो कितना है, 78.2 से जब उसको आप रख देते हैं जलीय घोल, तो कुछ समय बाद धीरे धीरे वो 52.2 डिग्री पर जाकर के ठहरती है। आप इससे पहले भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज के विषय में, उसके स्पेसिफिक रोटेशन के विषय में हम लोगों ने देखा हुआ था। इसके साथ साथ क्या होता है कि ये प्रकाश सक्रिय होते हैं और इनके अंदर म्यूटा रोटेशन का गुण भी पाया जाता है। शेष लेक्चर अब आपको अगले टर्न पे पॉलीसेक्राइड्स बताई जाएगी।